अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम जो सब्जेक्ट पढ़ेंगे वो है मुस्लिम पर्सनल लॉ। मुस्लिम पर्सनल लॉ में हमने ये पांच सवाल डिस्कस करने हैं, जिसमें जो पहला क्वेश्चन है डिफाइन एंड एक्सप्लेन डॉर डिस्कस ऑन इट्स इंपॉर्टेंस एंड वेरियस काइंड्स। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट इज डिफेक्टो गार्डियन, स्टेट द मैटर टू बी कंसीडर्ड बाय कोर्ट इन अपॉइंटमेंट ऑफ गार्डियन ऑफ ए माइनर अकॉर्डिंग टू गार्डियन एंड वार्ड एक्ट 1890। डिफाइन एंड एक्सप्लेन द राइट ऑफ प्रीएम्पशन। चौथा क्वेश्चन है व्हेन डज द राइट ऑफ प्रीएम्पशन अराइज, व्हाट काइंड्स ऑफ प्रॉपर्टीज आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द राइट ऑफ प्रीएम्पशन। पांचवा क्वेश्चन है डिस्कस ऑन द पर्सन इन होम द राइट ऑफ प्रीएम्पशन इज वेस्टेड, व्हाट आर एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स टू डिमांड द राइट ऑफ प्रीएम्पशन थ्रू कोर्ट। तो सबसे पहले हम देखेंगे हक़े मेहर। डिफाइन एंड एक्सप्लेन डॉर डिस्कस ऑन इट्स इंपॉर्टेंस एंड वेरियस काइंड्स। मेहर की सबसे डेफिनेशन ऑफ डॉर, हक़े मेहर की तारीफ क्या है। दफा 285 हंडल लॉ में मेहर की तारीफ ये की गई है, मेहर वो नकद रकम या दीगर जायदाद है जो बीवी शौहर से बरस निकाह पाने की मुस्तहिक है। नकद रकम और जायदाद दोनों हक मेहर है, लेकिन वो निकाह के एवज पाने की पाबंद है। तो बेसिकली जो मेहर है वो कंसीडरेशन है, जो एक क्योंकि निकाह एक कॉन्ट्रैक्ट है तो जो कॉन्ट्रैक्ट के लवाजमात हैं वो निकाह में पूरे होते हैं। सबसे पहली चीज है इजाब कबूल, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, और उसके बाद तीसरी चीज होती है कॉन्सिडरेशन, कि उनके दरमियान क्या कॉन्सिडरेशन हुई है। जो खुतबा दिया जाता है वो सुन्नत है। असल में जो निकाह होता है उसका जो बेसिक इंग्रीडियंट्स हैं वो इजाब है, वो कबूल है और वो मेहर है, कॉन्सिडरेशन है। मेहर किसी मुआहदा बै के जरे बदल के मुशाबे है। मेहर किसी मुआहदा बै, देखिए सेल के मुआहदे के बराबर है, जरे बदल के बराबर है, क्योंकि निकाह एक दीवानी मुआहदा है, सिविल कॉन्ट्रैक्ट है। दीवार निकाह एक सिविल कॉन्ट्रैक्ट है, तो जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो क्या होता है, एक फरीके अव्वल के हुकूक फरीके दोयम की जिम्मेदारी होते हैं, और फरीके दोयम के हुकूक फरीके अव्वल की जिम्मेदारी होते हैं और रेसिप्रोकल होते हैं, और उसमें कॉन्सिडरेशन बुनियादी चीज होती है। इजाब व कबूल के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो कॉन्सिडरेशन, और बै एक मखसूस मुआहदा है जिसे मुस्लिम फकी मुशावर के हवाले देने के आदि है। अगर मेहर दुल्हन की कीमत होता तो मेहर की अदायगी का मुआहदा बाद अजवाज बावजा अदम बदल के बातिल होता, मगर ऐसा मुआहदा नाजायज और काबले निफाज है। कि कोई मुआहदा ऐसा नहीं हो सकता कि जिसमें किसी औरत को खरीद फरोख्त की जाए, किसी औरत की खरीद फरोख्त की जाए। बेसिकली ये उस निकाह के बदल में उस खातून को मेहर दिया जाता है। हमारे यहां औरतों की खरीदो फरोख्त भी होती है, उसमें वो मेहर में बहुत बड़ी रकम लिखवा लेते हैं और वो उसका जो लड़की का वालिद होता है वो ले लेता है, और वो इम्प्लाइडली उनके साथ ये मुआहदा करता है कि इस लड़की से मेरा कोई ताल्लुक नहीं होगा, मैं नहीं मिलूंगा इससे, और जो मैंने पैसे ले लिए वो ले लिए। नो, शादी का मतलब ये नहीं है। इस मुआहदे की जो कॉन्सिडरेशन है वो ये नहीं है कि एक लड़की का बदल हो रहा है। इस मुआहदे का जो जरे बदल है वो ये है कि निकाह के इविज कि वो उससे निकाह कर रही है, उसके इविज वो हक मेहर उसे दे रहा है। वो उस लड़की के इविज हक मेहर नहीं दे रहा होगा, वो जो निकाह जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उस कॉन्ट्रेक्चुअल लाइबिलिटी में आ रहा होगा। मेहर की अदायगी का हुक्म अल्लाह तबारक व ताला की तरफ से है। कुरान पाक में सूरह निसा में इशारे खुदाबंदी है, इन महरमात के सिवा बाकी सब औरतें तुम पर हलाल। महरमात वाले जो रिश्ते हैं वो हलाल नहीं,
ताकि अपने अमवाल के बदले तुम इनको हासिल करने की कोशिश करो, कैद निकाह में लाने के लिए, ना कि शहवत रसानी के लिए। बस तुमने इनसे जो फायदा हासिल किया है उसके बदले में तयशुदा मेहर अदा करो। तो ये अल्लाह ताला का फरमान है। मेहर की अदायगी शरण वाजिब है। सर अब्दुल रहीम इसके शरण वाजिब होने की बिना पर कहते हैं कि मेहर की अदायगी शोहर पर ऐसा फर्ज है जो बीवी की तौकीर की अलामत के तौर पर आयद किया जाता है, कि जो बीवी की तौकीर है उसकी अलामत के तौर पर, कि वो जो निकाह हो रहा है उस निकाह के इवज जो है मर्द हक मेहर दे रहा है। निकाह एक मुआहदा है और मेहर इसमें एक माली मुनफियत का नाम है जो बीवी अपने खामिन से निकाह के इवज पाने की मुस्तहिक है। इसमें समझने वाली बात है, निकाह के इवज उसे हक मेहर मिल रहा है। ठीक है जी। दफा 287 मोहम्मदन ला के तहत मेहर निकाह के बाद भी मुकर्रर हो सकता है। जरूरी नहीं कि अगर मेहर मुकर्रर नहीं होगा तो निकाह नहीं होगा। मेहर जो है वो निकाह के बाद भी मुकर्रर किया जा सकता है और ये बढ़ाया काम भी किया जा सकता है। दफा 288 मोहम्मदन ला के तहत मेहर का मुआहदा बाप भी कर सकता है, लेकिन अदायगी की जिम्मेदारी बाप पर नहीं बल्कि लड़के पर होगी। कानून ये कहता है कि मेहर का मुआहदा बाप कर सकता है लेकिन उसकी अदायगी बाप पर नहीं होगी लागू। मुआहदा उस लड़के के बिहाफ पर उसके बाप ने किया है तो वो लड़का ही देने का पाबंद होगा। मेहर की अहमियत, पहले जिक्र हुआ कि निकाह के एवज मेहर की अदायगी शौहर पर शर्त वाजिब है। जहां तक इसकी अहमियत का ताल्लुक है तो वाजे हो कि औरत को हक मेहर की सूरत में एक बेहतरीन तहफ्फुज़ फराहम किया गया है। मुआशरती सतह पर यह औरत के लिए एक ढाल है। कानून इस्लाम ने मर्द के साथ साथ औरत को भी हकूक अता किए हैं। मेहर बीवी के लिए तौकीर है और औरत को हासिलशुदा हक में एक अहम हक है। मर्द को अगर कानून इस्लाम ने तलाक का हक दिया गया है तो औरत को मर्द के खिलाफ मेहर का हक दिया गया है। अगर मेहर बहुत ज्यादा हो तो मर्द दूसरी शादी करने या औरत को तलाक देने से बाज रखता है, गोया मेहर तलाक के खिलाफ भी एक ढाल है। अगर हम इसका स्कोप देखें, मेहर की अहमियत क्या है, मेहर कंसिडरेशन है, वो तो है, वो निकाह के वजह से कंसिडरेशन है, लेकिन इसका फायदा क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि अगर एक मुनासिब मेहर रखा जाता है एक लड़के पर, जहां मर्द को तलाक देने का इख्तियार है वहां औरत के लिए उस तलाक पर यह चेक है कि एक शख्स ये कॉन्ट्रैक्ट है, अगर इस कॉन्ट्रैक्ट को ब्रेक लड़का करेगा तो तलाक देगा तो उसे हक मेहर अदा करना होगा। अगर लड़की खुला लेगी तो उसे हक मेहर छोड़ना होगा कि दोनों के दरमियान मुआहदा है। जो मुआहदा ब्रेक करेगा लायबिलिटी उसकी तरफ चली जाएगी, जिम्मेदारी उसकी तरफ चली जाएगी। तो बेसिकली मेहर को जो है यूज करना चाहिए इसलिए कि इसके तलाक के हक को एक्सरसाइज करने का अंदाजा लगाकर उसके मुताबिक मेहर करना चाहिए कि इतना मेहर रखा जाए ताकि ये तलाक का हक एक्सरसाइज करते हुए 10 दफा सोचे। अवल तो इस्लाम का तरीका कार ही ऐसा है कि अगर उसको पर अमल किया जाए, हकूक को जिम्मेदारियों को समझा जाए, इस नौयत पे बात आती ही नहीं। इस्लाम में तो यह है कि जब इख्तलाफ राय को मैनेज करने के लिए इस्लाम ने गाइडलाइन दी है कि अगर मियां बीवी, अगर मियां समझता उसका बीवी से इख्तलाफ है तो वो अलहदा अपना बिस्तर कर ले अपनी नाराजगी का इजहार करने के लिए, दूसरे स्टेप में उनके खानदान का एक सुलाजी बुजुर्ग और अपने खानदान का एक सुलाजी बुजुर्ग को बिठाकर उस मामले को सॉर्ट आउट करें। आज के दौर में हम पढ़ते हैं अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, ये केपीके में किसी हद तक अप्लाई भी हुआ है कि किसी मुकदमे को चलने से पहले उसमें अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन में दोनों पार्टियों को बिठाकर और एक शख्स जो उनमें सुलह कराने की अहलियत रखता हो, जिसने एडीआर का कोर्स किया हो या उसमें अहलियत हो, वो उनके दरमियान मामला तय करा दे। एडीआर की बहुत अहमियत है। देखें अगर एक केस दाखिल हुआ है और उस दाखिल होते ही उनके दरमियान सुलह हो गई तो सुप्रीम कोर्ट तक वो केस जाना होता है, इतनी बड़ी लाइबिलिटी से बच जाते हैं।
इसी तरह तो जब इख्तलाफ हो उस लेवल पर दो सुलह जो बुजुर्ग बैठकर मामले को हल करा दे तो निकाह एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है, उसके बहुत बड़े इफेक्ट्स होते हैं, तमाम रिश्ते खत्म हो जाते हैं, बच्चों का मसाइल पैदा हो जाते हैं, तो इस तरह हल किया जा सकता है। लेकिन मेहर भी एक चेक है, निकाह जो एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है उसको मेंटेन रखने में बेसिकली एक लीवर है कि लड़का जो है वो अपना जो हक एक्सरसाइज करे। एक तो वो दूसरी शादी करने में भी उसके चेक है, जब पाकिस्तान के एग्जिस्टिंग लॉ है उसके तहत तो उसे अपनी पहली बीवी से इजाजत लेनी होगी, अगर वो उसे तलाक देता है तो उसे हक मेहर देना पड़ेगा, वो फिर वो दूसरी शादी कर सकता है। तो बेसिकली ये एक चेक है, इसे चेक के तौर पे लिया जाता है कि ताकि वो शख्स अपना जो एक हक उसे दिया गया है उसको सोच समझ कर एक्सरसाइज करे। ठीक है जी, गोया मेहर तलाक के खिलाफ भी एक ढाल है। अगर मेहर का वजूद ना होता तो तलाक की औसत शराह इससे भी कहीं ज्यादा होती जो आजकल है। खुदाई अहकामात के पस मंजर में कोई ना कोई मसलहत होती है और मेहर के पस मंजर में औरत के तहफ्फुज की मसलहत है। मेहर जो है वो औरत के तहफ्फुज की मसलहत है, तो उस मेहर को इतना रखना चाहिए कि ताकि वो लड़का जब अगर अपना हक जो उसे हासिल है, क्योंकि औरत ने खुला के लिए उस अदालत जाना पड़ता है, मर्द जो है वो तलाक दे सकता है, तो इतनी ज्यादा इख्तियार दिया है तो उसके ऊपर उतना ज्यादा चेक भी होना चाहिए कि जितना ज्यादा चेक होगा वो उस इख्तियार को इस्तेमाल करते हुए उतना ही सोचेगा। हदिया या मुआवजा, गिफ्ट फॉर कॉम्पनसेशन। अलाहाबाद हाईकोर्ट के जज जस्टिस मसूद के ख्याल को सामने रखें तो मेहर ऐसी नकद रकम या जायदाद है कि जो बीवी शोहर से बिलज निकाह पाने की मुस्तहिक है। उनका ख्याल है कि यह जरे बदल के मुशाबे है। आला अदालतों के फैसला जात और मुस्लिम मुफक्किरीन कानून के ख्याल के तहत मेहर किसी किस्म का हदिया नहीं है और ना ही इसे मुआवजा करार दिया जा सकता है, क्योंकि अगर मेहर को औरत का मुआवजा करार दिया जाए तो यह उसकी हुर्मत और इज्जत के खिलाफ है। मेहर उस औरत का मुआवजा नहीं, यह चीज क्लियर हो जानी चाहिए कि यह जो मुआहदा है इसके दरमियान जो कंसीडरेशन हुई है, जो जरे बदल हुआ है, उस निकाह के एवज उसको मेहर मिल रहा है कि जो उसने उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, निकाह किया वो उसके साथ, यह उस औरत का जरे बदल नहीं है। अलबत्ता इसे जरे बदल जरूर कहा जा सकता है क्योंकि निकाह एक दीवानी मुआहदा है, मुआहदा जरे बदल के बगैर नहीं हो सकता। निकाह जब एक सिविल कॉन्ट्रैक्ट है तो वो जरे बदल के बगैर नहीं हो सकता। अच्छा, अब हम देखेंगे मिकदार के लिहाज से मेहर की अकसाम। काइंड्स ऑफ डोर अकॉर्डिंग टू क्वांटिटी। नंबर एक कि मेहर की अकसाम कौन कौन सी हैं, कितनी किस्म के मेहर होते हैं। मेहर मुकर्रा स्पेसिफाइड डोर। मेहर मुकर्रा की वजाहत दफा 286 मोमिन लॉ में मौजूद है। दफा हजार के तहत अगर मेहर का तयन बवक्त निकाह या बाद निकाह कर दिया जाए तो ऐसा मेहर मुकर्रर होगा। मुकर्रा मेहर की सूरत में मेहर की मिकदार रकम मुकर्रा में होती है। इसका तायुन फरीकैन की मर्जी से होता है। शरीयत इस्लाम में मेहर की ज्यादा से ज्यादा मिकदार मुकर्रर नहीं की, लेकिन कम से कम मिकदार मुकर्रर की है। इस्लाम ने कम से कम मिकदार मुकर्रर की है लेकिन ज्यादा से ज्यादा मिकदार मुकर्रर नहीं की। हनफी कानून के तहत कम अज कम मेहर 10 दिरहम होना चाहिए। मालिकी फुका के नजदीक कम अज कम मेहर 3 दिरहम होना चाहिए। शिया कानून में कम अज कम मेहर का जिक्र ना है। मेहर मुकर्रा मेहर अगर अदा ना किया जाए तो बीवी अदालत में मुकदमा दायर कर सकती है और मेहर वसूल कर सकती है। अब देखिए, हनफी स्कूल ऑफ थॉट है, मालिकी स्कूल ऑफ थॉट है, जाफरी स्कूल ऑफ थॉट है, ये डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट है। सिर्फ इंटरप्रिटेशन का फर्क है। कुरान और हदीस के वर्ड सेम है। एक इमाम एक इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं, एक इमाम एक इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं, एक इमाम एक, हमें उनकी नियत पे एतमाद है कि वो उस हवाले से तमाम, पहले चीज कुरान में देखते हैं, फिर हदीस में देखते हैं, फिर इजमा में देखते हैं, फिर उसके बाद इस किस्म की पूरे मामले को एग्जामिन करके एक इंटरप्रिटेशन करते हैं। आपस में कोई इख्तलाफ नहीं था।
जो मेहर है उसके हवाले से आपको, जब वो कोई सिविल कॉन्ट्रैक्ट है तो आपको रेमेडी अवेलेबल है, अगर वो मेहर आपको नहीं दिया जाता तो आप सिविल कोर्ट में सूट दायर कर सकते हैं, मेहर वसूल कर सकते हैं। अगर निकाह नाबालिग का हुआ हो और मेहर का तायुन नाबालिग बेटे के बाप ने किया हो तो अदायगी का जिम्मेदार बाप नहीं बेटा है। निकाह के बाद अगर मुबाशरत हुई हो तो कुल मेहर मुकर्रर अदा करना होगा। अगर मैरिज कंज्यूम ना हुई हो तो निस्फ मेहर, मतलब यह है कि अगर मैरिज कंज्यूम हो गई तो 100% हक मेहर की वो हकदार है, और अगर मैरिज कंज्यूम नहीं हुई तो वो 50% मेहर की हकदार है। दूसरा मेहर मिसल कस्टमरी डोर रिवाज, कस्टमरी डोर क्या है कि जो रिवाज के मुताबिक हो, जो उनकी करीबी रिलेटिव्स का जिनका हो। दफा 289 मोहम्मद ला के मुताबिक अगर मेहर का तायुन बवक्त निकाह या बाद अस निकाह ना किया गया हो तो बीवी मेहर मिसल की अदा ठहरेगी। अगर ना किया हो मेहर मिसल की वजह इस तरह की जा सकती है कि ऐसा मेहर मेहर बामुताबिक रिवाज होता है, जायजा लिया जाता है कि इस औरत के खानदान की दीगर औरतें यानी इसके बाप के खानदान की दूसरी औरतें मसलन फूफियों बहनों चचाजाद फूफीजाद बहनों का मेहर क्या मुकर्रर किया गया, इस मेहर की मुनासबत से वो मेहर मुकर्रर किया जाता है। तो ये इसकी दो किस्म की अकसाम है। अब देखेंगे जी अदायगी के एतबार से मेहर की अकसाम, काइंड ऑफ डोर अकॉर्डिंग टू पेमेंट। देखें अब ये क्वेश्चन को समझने की जरूरत है, बड़ा बारीक पॉइंट है। मिकदार के लिहाज से काइंड ऑफ डोर अकॉर्डिंग टू क्वांटिटी दो आसान है, स्पेसिफाइड डोर कस्टमरी डोर मिकदार के लिहाज से, और काइंड ऑफ डोर अकॉर्डिंग टू पेमेंट अदायगी के लिहाज से कितनी अकसाम, कि मेहर की अदायगी की कितनी अकसाम है और मेहर की क्वांटिटी की मिकदार के लिहाज से कितनी अकसाम। अब अदायगी के लिहाज से देखते हैं कि मेहर की रकम उमूमन दो हिस्सों में तकसीम होती है, एक मुअज्जल कहलाती है जो तलब पर वाजिबुल अदा होती है, जबकि दूसरी मुवज्जल और गैर मुवज्जल है, दोनों लफ्ज इस्तेमाल होते हैं, जो मौत या तलाक से निकाह फस होने पर वाजिबुल अदा होती है। मेहर मुवज्जल प्रॉम्प्ट डोर, मेहर मुवज्जल प्रॉम्प्ट डोर मौके पे जो उस वक्त दिया जाता है। मुवज्जल मेहर वो है जो बीवी तलब पर यानी जब चाहे वसूल कर सकती है। अलाहाबाद हाई कोर्ट ने करार दिया कि मेहर का मुवज्जल हिस्सा बीवी मुबाशरत से कबल और बाद में जब चाहे ले सकती है, जो प्रॉम्प्ट डोर है वो मैरिज कंज्यूम होने से पहले या बाद में वो ले सकती है, मांग ले तो ले सकती है। मेरे कुल या इसका कोई हिस्सा अगर फौरी तौर पर काबिल अदायगी होगा तो वो मुअज्जल कराएगी। ये भी इस्लाम में एक सहूलत दी गई है कि टोटल हक में तय किया गया है तो उसकी कुछ रकम जो है वो फौरी तौर पर काबिल अदा होगी तो वो प्रॉम्प्ट डोर कहलाएगा, मेहर मुअज्जल कहलाएगा। लाहौर हाई कोर्ट ने एक मुकदमे में इस राय का इजहार किया है कि मेहर मुअज्जल जो ही उसका मुतालबा किया जाए एक ऐसे कर्जे की सूरत इख्तियार कर लेता है जिसकी अदायगी का शौहर जिम्मेदार है। अगर बीवी उसकी अदायगी डिमांड करती है तो उसी वक्त वो एक कर्जे की हैसियत इख्तियार कर देता है, ऐसे कर्जे की सूरत इख्तियार कर देता है जिसकी अदायगी का शौहर जिम्मेदार है। बीवी शौहर के पास रहने से उस वक्त तक इंकार कर सकती है जब तक उसे मेहर मुअज्जल अदा ना कर दे। कानून में उसको यह प्रोविजन है कि वो अगर मेहर मुअज्जल उसको अदा ना करे तो वो उसके पास रहने से इंकार कर सकती है। अदालत में मेहर मुअज्जल की वसूली का दावा दायर किया जा सकता है कि मेहर की मेहर मुअज्जल प्रॉम्प्ट डोर, अगर औरत हकूके ज़ौजियत मेहर मुअज्जल की अदायगी आदम अदायगी की वजह से अदा करने से इनकार करे या अलहदा रिहायश इख्तियार करे और खामिंद यादा हकूक जिना शोई का मुकदमा बीवी के खिलाफ दायर करे तो अदालत मेहर मुअज्जल की अदायगी के बगैर यादा हकूक जिना शोई की डिग्री हासिल करने से इनकार कर सकती है। कि अगर एक खामिंद अपनी बीवी के खिलाफ कंजुगल राइट्स का केस करता है तो अदालत जो है अगर वो ये मौका इख्तियार करती है कि इसने मुझे प्रॉम्प्ट डोर पे नहीं किया तो इसलिए मैं जो है ना ये हकूक अदा नहीं कर रही हूं तो वो अदालत फैसला यही देगी कि पहले प्रॉम्प्ट डोर अदा करो तो फिर उसके जो है उसका जो क्लेम है उसको तस्लीम किया जाएगा।
डेफर्ड हो, डेफर, डेफर करना, मौखर करना, मेहर मुअज्जल या गैर मुअज्जल करना। अगर कुल मेहर या उसका कुछ हिस्सा मौत या तलाक की वजह से निकाह के फस्ख होने पर वाजिबुल अदा हो तो ऐसा मेहर मुअज्जल कहलाता है, इसे गैर मुअज्जल कहलाते हैं। कि मतलब है कि मौत की सूरत, मतलब जैसे उसका वो निकाह खत्म होता है मौत की सूरत में, तलाक की सूरत में, तो फिर ये जो डेफर्ड हो है ये अदायगी इसकी करनी पड़ती है। बाद अवकात मेहर मुअज्जल की अदायगी के लिए मुद्दत का तायुन कर दिया जाता है, ये ऐसी मुद्दत के इख्तिताम पर वाजिबुल अदा होता है, गोया ऐसा मेहर जो फिल फौर कबूल अदायगी ना हो मेहर मुअज्जल। सी डेफिनेशन ये बनेगी कि ऐसा ऐसा डोर, ऐसा मेहर जो फिल फौर काबिले अदा ना हो, जो फिल फौर काबिले अदा ना हो वो डेफर्ड डोर कहलाएगा। सवाल ये पैदा होता है कि अगर वक्त निकाह या बाद अर्ज निकाह मेहर के बारे में ये तायुन ना किया गया हो कि ये मुअज्जल है या गैर मुअज्जल, उसका कितना हिस्सा मुअज्जल है कितना हिस्सा गैर मुअज्जल, तो सूरत हाल क्या होगी। यहां इस मसले पर शदीद इख्तलाफात है। शिया कानून के मुताबिक कुल मेहर मुअज्जल कराया, जहां इंटरप्रिटेशन नहीं की गई कि ये इस मोहर जो मेहर है पर 1 लाख रुपए है तो इसमें 10,000 जो है वो मुअज्जल है और 90,000 जो है वो गैर मुअज्जल, अगर इस किस्म की कोई तशरीह नहीं की गई तो वो जो है तमाम जो अगर 1 लाख रुपया लिखा है सिर्फ तो उसके साथ कोई तशरीह नहीं हुई तो वो तमाम जो है वो मुअज्जल कहलाएगा। जबकि हनफी कानून के मुताबिक कुछ हिस्सा मुअज्जल और कुछ हिस्सा गैर मुअज्जल कहलाएगा। लाहौर हाई कोर्ट ने करार दिया कि किसी रिवाज की अदम मौजूदगी में कयास ये होगा कि निस्फ मेहर मुअज्जल है और निस्फ मेहर गैर मुअज्जल, निस्फ फौरी अदायगी के काबिल है और निस्फ जो है वो डेफर किया जा सकता। मुस्लिम आईनी कानून 1961 की दफा 10 के मुताबिक हमारे मुल्क में जो जो फैमिली मैटर्स जो हैं उसके हवाले से जो राइट्स डिटरमिन होते हैं वो मुस्लिम आईनी कानून 1961 की के मुताबिक किए जाते हैं। उसकी जो सेक्शन 10 के मुताबिक अगर मायदा निकाह में मेहर के मुअज्जल प्रॉम्प्ट डोर और डेफर्ड डोर की वजाहत ना की गई हो तो पूरा जो मेहर है वो प्रॉम्प्ट डोर कहलाएगा। मद्रास हाई कोर्ट, मद्रास हाई कोर्ट का नजरिया यह है कि फरीकैन शिया हो या सुन्नी हो मेहर लाजमी तौर पर मुअज्जल तसव्वुर होगा सिवाय इसके कि उसकी कुलिया जुज़ की अदायगी सरी तौर पर मुल्तवी कर दी गई। तो डियर स्टूडेंट हमने ये देखा कि मेहर क्या है। मेहर बुनियादी तौर पे औरत की तौकीर है, उसकी इज्जत है, तो निकाह के अवज उसको ये अमाउंट दी जा रही है और जो तलाक का हक उस कॉन्ट्रैक्ट में उस निकाहनामे में लड़के को दिया जा रहा है उसके एक्सरसाइज करने पर एक चेक है और इसकी मुख्तलिफ अकसाम है, मिकदार के लिहाज से भी अकसाम है और अदायगी के एतबार से भी। अगर सवाल आता है कि मिकदार के लिहाज से अकसाम लिखे तो ये 2 लिखनी है, स्पेसिफाइड और कस्टमरी डॉर। अगर सवाल आता है अदायगी के एतबार से अकसाम लिखे तो फिर ये लिखनी है प्रॉम्प्ट डॉर और डेफर्ड डॉर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, व्हाट इज डिफेक्टिव गार्डियन। ये गार्डियन एंड वार्ड एक्ट 1890 के मुताबिक है ये क्वेश्चन, व्हाट इज डिफेक्टिव गार्डियन, स्टेट द मैटर टू बी कंसीडर्ड बाय कोर्ट इन अपॉइंटमेंट ऑफ गार्डियन ऑफ ए माइनर अकॉर्डिंग टू गार्डियन एंड वार्ड एक्ट 1890। डिफेक्टिव गार्डियन वली, वली क्या होता है, दफा 361 मोहम्मद लॉ में हकीकी वली की तारीफ इस तरह की गई, हो सकता है कोई शख्स कानूनी वली ना हो और ना ही उसका तकरार अदालत ने किया हो लेकिन उसने रजाकाराना तौर पर नाबालिग की जात और जायदाद की हिफाजत, नाबालिग के 2 मेन इशू होते हैं, उसकी जात होती है उसको संभालना और एक उसकी जायदाद होती है, हिफाजत अपने जिम्मे ली हो, ऐसा शख्स हकीकी वली कहलाता है। एक हकीकी वली सिर्फ नाबालिग की जात और जायदाद का मुहाफिज होता है। कानून के मुताबिक जो वली है वो उसकी जात और जायदाद का मुहाफिज है, उसके साथ ना इंसाफी नहीं कर सकता, उसको हकीकी वली कहते हैं जो कोर्ट से नहीं होता। मां भाई चचा और दीगर रिश्तेदार मां सिवाय बाप और दादा के हकीकी वली हो सकते हैं बशर्ते कि उन्हें बाप या दादा ने मुकर्रर ना किया हो
उन्हें अदालत ने मुकर्रर ना किया हो। पिशावर हाई कोर्ट ने एक मुकदमे में करार दिया कि एक शख्स जो ना तो कानूनी वली हो और ना ही अदालत की तरफ से मुकर्रर करदा वली हो, बल्कि अस खुद नाबालिग की जात और जायदाद का इंचार्ज बन बैठा हो, हकीकी वली कहलाता है। एक हकीकी वली नाबालिग की जात और जायदाद का महज निगरान होता है। समझने वाली बात यह है कि वो सिर्फ निगरान होता है, वो उसका निगरान होता है, उसकी जात का और जायदाद का। प्रोसीजर टू अपॉइंट ए गार्डियन, वली के तकर्रर का तरीका का। अभी इस हवाले से कानून मौजूद है, कानून वली नाबालिगा की दफा 8 के तहत जो शख्स इस कानून के तहत किसी नाबालिग का वली मुकर्रर होना चाहता है तो वो अदालत में मुजवजा तरीका कार से दरखास्त देता है कि वो वहां दरखास्त देता है। अदालत अर्ज खुद नाबालिग का वली मुकर्रर नहीं कर सकती, अलबत्ता दरखास्त मौसूल होने पर अदालत दरखास्त दहिंदा से मुकम्मल मालूमात हासिल करती है और दरखास्त दहिंदा से मुतालिक छानबीन करने के बाद उसे किसी दीगर नाबालिग का वली मुकर्रर कर सकती है। अदालत महज ऐसे शख्स को वली मुकर्रर करेगी जिसने अदालत में दरख्वास्त गुजारी हो और वो शख्स जिसे नाबालिग के दोस्त या रिश्तेदार वली मुकर्रर करने के ख्वाहिशमंद। अब एक नाबालिग बच्चा उसकी जायदाद है, वो खुद है, उसका वली मुकर्रर करते हुए अदालत जो टर्म्स एंड कंडीशन, कानून क्या है, रवैयों को कंट्रोल करना, कानून क्या है, रवैयों को कंट्रोल करना। तो एक नाबालिग बच्चा है उसके हकूक पर जद ना पहुंचे, जब वली बनने के लिए वो दरख्वास्त देता है तो उसमें उसके दोस्त और रिश्तेदार की वली बनने की ख्वाहिशमंद होनी चाहिए, वो ख्वाहिश होगी शख्स वली बन जाए। अगर वो ना हो तो वो अदालत उसको वली नहीं मुकर्रर करती। अब देखिए वो शराइत क्या क्या है कि उसके वली बनने के लिए, गार्डियन बनने के लिए। अगर नाबालिग की जात से मुतालिक है तो उस जिले की अदालत में जाना चाहिए जहां नाबालिग रिहायश पसीर, कि जहां नाबालिग रिहायश पसीर होगा उस जिले की अदालत में दरखास्त दी जा सकती है। अगर नाबालिग की जायदाद से मुतालिक वली बनना चाहता है तो ऐसी दरखास्त नाबालिग की अमूमी रिहायश वाले जिले की अदालत में या फिर ऐसी अदालत में दी जा सकती है जहां जायदाद मौजूद। समझने वाली बात यह है कि दो जगह दरखास्त दी जा सकती है, जहां नाबालिग की रिहायश हो और जहां उसकी जायदाद हो। अगर नाबालिग की रिहायश एक शहर में है, जायदाद दूसरे शहर में है, तो उन दोनों शहर की जिला अदालतों में वो दरखास्त दी जा सकती है। अगर दरखास्त नाबालिग और जायदाद दोनों के लिए हो, कि नाबालिग का भी वली बनना चाहता हो और उसकी जायदाद का वली भी बनना चाहता हो, तो उस अदालत में दी जा सकती है जहां नाबालिग अमूमी रिहायश इख्तियार करता है। कि अगर दोनों के सिलसिले में वो वली बनना चाहता है तो वो दरखास्त वहां देगा जहां उस नाबालिग की रिहायश हो। इसमें भी राइट्स दिए गए हैं ताकि नाबालिग को ज्यादा मसला ना हो और एविडेंस भी जा सके आसानी से। मदरजा ज़ैल अशख़ास नाबालिग के वली के लिए दरखास्त दे सकते हैं। कौन कौन एलिजिबल है? हर वो शख्स जो वली बनने का ख्वाहिशमंद हो, नाबालिग के रिश्तेदार, नाबालिग के दोस्त, कर्जदार जो नाबालिग का कर्ज वापस करना चाहते हो, दोस्त शुमार होगा। जो नाबालिग का कर्ज वापस करना चाहता हो वो दोस्त शुमार होगा। कलेक्टर जिले में दरखास्त दे सकता है, अलबत्ता कोई ऐसी दरखास्त नहीं दे सकता, नाबालिग भी ऐसी दरखास्त नहीं दे सकता, सरकारी अमीन की तकर्री भी नहीं हो सकती। अलबत्ता इस किस्म की दरखास्त वसूल करने के बाद नाबालिग के तमाम रिश्तेदारान को मुतला करेगी। कानूनी तकाजा है कि अदालत जो है वो उसके तमाम जो रिश्तेदारान हैं उनको मुतला करेगी कि ये शख्स इसका वली बनने की इसने दरखास्त दी है, ताकि उसके राइट्स इंफ्रिंज ना हो। अखबार इश्तिहार का सहारा भी लिया जाता है, अखबार में इश्तिहार दिया जाता है कि ये शख्स इसका वली बनना चाहता है, ताकि तमाम लोग हाजिर होकर अगर एतराजात करना चाहें तो कर सकें। ये प्रोसीजर क्या है कि राइट डिटरमिन करने के लिए प्रोसीजर बनाया जाता है। प्रोसीजर को रिजिड क्यों बनाया जाता है? ताकि कोई इंफ्रिंज ना कर सके राइट।
मुकम्मल छानबीन के बाद अदालत दफा 7 कानून आजा के तहत वली का तकर्रुर कर सकती है। मैटर अंडर कंसीडरेशन जेरे और अमूर, वली का तकर्रुर करते हुए अदालत को मदरजा जैल अमूर का ख्याल रखना होता है। नाबालिग की फलाह बहबूद उसकी जात से मुतालिक या जायदाद से मुतालिक कि अदालत देखती है कि नाबालिग की फलाह बहबूद उसकी जात के हवाले से भी फलाह बहबूद देखती है और उस जायदाद के हवाले से भी। वली का किरदार और मुआशरती मकाम कि वली का क्या किरदार है, क्या मुआशरती मकाम है कि वली जो है वो किस किस्म की शोहरत रखता है, किस किस्म के किरदार का मालिक है। नाबालिग से वली की रिश्तेदारी या दीगर ताल्लुक, उसकी रिश्तेदारी और दीगर ताल्लुक को भी देखती है। अगर नाबालिग राय दे सकता है तो अदालत उसकी राय पर भी गौर करेगी। देखें ये कानून ने हक दिया है कि अगर नाबालिग अपनी राय दे सकता है, अगर वो राय देना चाहे तो अदालत उसको भी गौर करेगी। वली जायदाद के इख्तियार पावर्स ऑफ गार्डियन ऑफ प्रॉपर्टी कि जो प्रॉपर्टी का जो गार्डियन है उसके क्या क्या इख्तियार है। वली जायदाद नाबालिग की जायदाद के इंतजामों इंसराम का जिम्मेदार होता है, उसका फर्ज होता है कि जायदाद की इस तरह देखभाल करे जिस तरह वो उसकी अपनी जायदाद। लेकिन वो मदरजा जैल सूरतों में अदालत की इजाजत से जायदाद को फरोग कर सकता है कि वो अदालत की इजाजत से जायदाद को फरोग कर सकता है। अदालत ने यहां भी चेक रखा है, बल्कि कानून ने चेक रखा, अदालत उसके मुताबिक फैसला दे। क्या चेक है कि अदालत से जब वो इजाजत लेगा तो अदालत देखेगी कि अदालत देखेगी कि अगर जायदाद के जाया होने का खदशा हो उसको अदालत इजाजत देगी। तो उसमें पहला पॉइंट जो है कि अगर जायदाद के जाया होने का खदशा हो तो उसे बेचने की इजाजत दी जा सकती है, अदालत देगी। अगर नाबालिग के वालिद या दादा ने ऐसी करने की इजाजत दी हो, अगर नाबालिग के वालिद या दादा का कोई कर्ज अदा करना हो और ऐसा कर्ज जायदाद को फरोख किए बगैर अदा ना हो सकता, कर्ज शहीद पर भी माफ होगी। इस्लाम में जो कर्ज है ना बड़ी जिम्मेदारी है, इस्लाम के जो फाइनेंशियल रूल्स हैं अगर उन पर अमल किया जाए तो हमारे कारोबार हमारी मौशी तरक्की रिज पर पहुंच जाए। तो इस्लाम में जो कर्ज है वो शहीद पर भी माफ हो तो उसके लिए बेचने की इजाजत दी जा सकती है। अगर जायदाद की दुगनी कीमत मिलने की उम्मीद हो, उस जायदाद की अगर दुगनी कीमत मिलने की उम्मीद हो तो भी अदालत इजाजत दे सकती है। जब ऐसी जायदाद के अलावा दीगर जायदाद ना हो जिससे नाबालिग की परवरिश के अखराज पूरे कर सके, अगर उसकी परवरिश के अखराज पूरे करना उस जायदाद को बेचकर ही मजबूरी हो तो अदालत देती है। जब जायदाद को रुकने वाले अखराज असल आमदन से बढ़ जाए, जब नाबालिग की जायदाद को गसब कर लिया गया हो और वापसी की उम्मीद ना हो, अगर वली का तकर्रुर अदालत ने किया तो अदालत की इजाजत के बगैर जायदाद को बै हिबा तबादला नहीं कर सकता ना ही रहन कर सकता कि वली को यह पावर नहीं होती, गार्डियन को यह पावर नहीं होती कि वो बै कर सके, बेच सके, हिबा गिफ्ट कर सके, एक्सचेंज तबादला कर सके और ना ही वो मॉर्गेज कर सकता है। वली को नाबालिग की गैर मनकूला जायदाद पर किसी किस्म के तसरुफ का कोई हक हासिल ना है, अलबत्ता वो मनकूला जायदाद से बाज हालात में तसरुफ कर सकता है। वो नाबालिग की जायदाद को 5 साल से ज्यादा नाबालिग के बालिग होने के 1 साल बाद तक इजारा या पटे पर नहीं उठा सकता। मैं बालिग हूं 5 साल से ज्यादा वो पटा होता लीज, पटे में आपने लीज करते हैं मुआयदा करते हैं तो और किराए पे भी दे सकता है, लेकिन उसके बालिग होने के 1 साल ज्यादा तक दे सकता है और 5 साल से ज्यादा उसको किसी किस्म के कॉन्ट्रैक्ट में नहीं जा सकता। ये भी राइट्स का तहफ्फुज़ है नाबालिग के कि वो 10 साल 15 साल का है कि नॉमिनल मुआयदा कर ले किराए का या लीज का, उससे कोई खास इनकम ना हो, 5 साल बाद दोबारा वो मुआयदा रिन्यू करे, नई शराइत पर रिन्यू करे ताकि उसका हक मिल सके। वली मुकर्रर करने से इनकार, रिफ्यूजल टू अपॉइंट गार्डियन, वली के तकर्रुर के हवाले से अदालत को वसी इख्तियार हासिल,
और वो तमाम मुतालका अमूर को सामने रखते हुए नाबालिग के वली का तकर्रुर कर सकती है। हम मदरजा ज़ैल सूरतों में अदालत वली के मुकर्रर करने से इनकार कर सकती है। नाबालिग शादीशुदा लड़की जबकि बाप की तहवील में हो और बहैसियत वली को अहल हो, नाबालिग जिसका बाप जिंदा हो और वली के फराइज सरंजाम देने का अहल हो, रिफ्यूज कर सकती है। कोर्ट ऑफ वार्ड की ज़ेर तहवील जदाद वाला नाबालिग उसको वो रिफ्यूज कर सकती है। तो हमने दूसरा क्वेश्चन देखा, अब हम तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। प्रीएम्प्शन एक्ट पंजाब प्रीएम्प्शन एक्ट, हक्के शुफा डिफाइंड एंड एक्सप्लेन द राइट ऑफ प्रीएम्प्शन, कि प्रीएम्प्शन क्या होता है, हक्के शुफा इसके हम तारीफ देखते हैं। हक शुफा से मुराद ऐसा हक है जिससे एक शख्स बतरजी दीगर अशखास जदाद गैर मनकूला इमूवेबल हासिल कर सके, बतरजी दीगर अशखास दूसरे अशखास पर उसे तरजीह दी जाती है। हक शुफा बुनियादी तौर पे जब एक गांव में लोग रहते थे तो उनका सेम कल्चर होता है, वालिद की डेथ हुई है तो उन्हीं के बच्चों में वो जदाद तकसीम हो जाती थी, तो उस सोसाइटी का सेम कल्चर, तो उसमें कोई शख्स ऐसा आकर ना रहने लग जाए कि जो उस सोसाइटी की जो रिवायात हैं, जो ट्रेडिशंस हैं, जो कल्चर है उसको वो जनाब उसमें एक हिजान पैदा कर दे, अनुमान का मसला पैदा कर दे, मसाइल पैदा कर दे, वो जो सोसाइटी एक ही किस्म के तर्ज जिंदगी के तहत एक ही रस्म रिवाज के तहत रह रही है उसमें एक नया शख्स आकर मसाइल पैदा ना कर दे, तो उस कल्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए हक शुफा जो है वो रखा गया। कि क्या कहते हैं, बतरजी दीगर अशखास, कि हक शुफा में जो उसके करीब जो उसका शरीक है या जिसे ईजमेंट का राइट है, जो एडजस्टर जिसकी प्रॉपर्टी है, तो वो लोग वही अमाउंट देकर वो जगह ले सकते हैं अगर वो बेच रहा है, टू प्रोटेक्ट द सोसाइटी कल्चर। लेकिन अब शहरों में हक़े शुफा खत्म हो गया है क्योंकि यहां एक किस्म की पहली शर्त यह है, हक़े शुफा का मकसद क्या है, टू प्रोटेक्ट सोसाइटी। जब एक किस्म के लोग यहां रह ही रहे, मुख्तलिफ कल्चर के लोग रह रहे हैं एक सोसाइटी में, तो वहां तो हक़े शुफा बनता ही नहीं, तो शहरों में तो आजकल हक़े शुफा बनता नहीं है, देहातों में भी हालात काफी तब्दील हो गए। शुफा इस्लामी कानूनी इस्तलाह है, बाद में यह इस्तलाह हिंदुस्तानी कानून में दाखिल हुई। शरे इस्लाम के मुताबिक हक शुफा की गैर मनकूला जायदाद के मालिक को ऐसी दूसरी गैर मनकूला जायदाद को खरीदने का हक है जो किसी दूसरे शख्स को फरोख्त कर दी गई है। शुफा का रिवाज जमाना कदीम से है, इस रिवाज के मुताबिक इब्तदा में जमीन चंद खानदानों के कब्जे में थी और बाकायदा असूल यह था कि एक शख्स के चले जाने के बाद अराजी में उसके दीगर मालकान में तकसीम हो जाता, मकसद यह था कि खानदान से बाहर कोई फर्द ऐसी अराजी हासिल ना कर सके और यह खानदान नहीं रहे। बाद में यह रिवाज परवान चढ़ता गया और बाकायदा मौजूदा कानून शुफा के तहत वजूद में आया। इस हक शुफा से मुराद किसी शख्स का वो तरजीही और इम्तियाजी हक है जो उसे दूसरे खरीदार के मुकाबले में हासिल होता है। बहुत बड़ा हक है, एक शख्स की जायदाद बिक रही है तो आपको एक तरजीह हक दिया है। तरजीह हक इसलिए नहीं दिया गया कि आप दूसरे का राइट इंफ्रिंज कर ले, तरजीह हक टू प्रोटेक्ट सोसाइटी कल्चर। आप पर भी जिम्मेदारी डाली गई है कि अगर एक शख्स जगह बेच रहा है तो आप वो खरीद लें ताकि आपका कल्चर, आपकी सोसाइटी, आपके रूल्स, वेलफेयर का कॉन्सेप्ट है। लेकिन इसका इस्तेमाल बड़ा गलत हुआ। अगर एक शख्स अपनी जायदाद फरोख करना चाहता है, जायदाद गैर मनकूला की हद तक है, इमूवेबल प्रॉपर्टी की हद तक है, मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं, क्या वो अपनी गाड़ी बेच रहा है, तो आप कहने की नहीं मुझे तो हक शुफा हासिल है, तो बहैसियत खरीदार इस शख्स को अहमियत हासिल होगी जिसकी अराजी मुश्तरका खाते में हो या उस अराजी से मुलहका हो या जराए आपाशी या जराए आमदराफ्त एक हो।
एक शख्स को बहसियत खरीदार अहमियत देने का मकसद यही है कि कोई दीगर शख्स ऐसी अराजी ना खरीद सके जो अजनबी हो। हक शुबा से मुराद ऐसा हक है जिससे एक शख्स बात तरजीह दीगर अशखास के जरिए अराजी या जदाद गैर मनकूला दही या जदाद गैर मनकूला कब्जा हासिल कर सके। अब है जिसका मकसद कि हक शुफा का मकसद क्या होता है, सवाल यह पैदा होता है कि हक शुफा का मकसद क्या है। दरअसल देहात के रहने वाले लोग अपने रिवाज रखते हैं, उनके मेल जोल का अपना एक अंदाज होता है, उनमें भाईचारा कायम होता है, उनकी कोशिश ये होती है कि वो अपने ग्रोह में किसी अजनबी को शामिल ना करें। वो ये चाहते हैं कि देहात की जुमला राजी उन्हीं की मलकियत रहे और उनके दरमियान ही रहे और इस मलकियत में कोई अजनबी शामिल ना हो, कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा ना कर दे। बुनियादी ये कॉन्सेप्ट है कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा ना कर दे, इसका एक वेलफेयर कॉन्सेप्ट है। अब हम हक शुफा के तहत मदरसान की जदाद गैर मनकूला पर शुफा हो सकता है। ऑन व्हाट काइंड ऑफ प्रॉपर्टी, किस किस्म की जदाद पर हक शुफा हो सकता है? एग्रीकल्चर लैंड, विलेज इमूवेबल प्रॉपर्टी, अर्बन इमूवेबल प्रॉपर्टी, शहरी देहाती इमूवेबल प्रॉपर्टी और एग्रीकल्चर लैंड पर हक शुफा हो सकता है। अब हम अगला सवाल देखते हैं, डिफाइन व्हाट डज द राइट ऑफ प्रीएम्प्शन अराइज, व्हाट काइंड ऑफ प्रॉपर्टीज आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द राइट ऑफ प्रीएम्प्शन, कि हक शुफा कब पैदा होता है, कि हक शुफा अराइज कब होता है, कब आप इस काबिल होते हैं कि हक शुफा के तहत आप रिलीफ ले सकें। जदाद की कौन सी अकसाम हक शुफा से उबर रहे हैं? हक शुफा गैर मनकूला जदाद की बै की सूरत में पैदा होता है। द राइट ऑफ प्रीएम्प्शन शैल अराइज इन केस ऑफ सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, कि उस जायदाद की जब बै हो जाती है, जब उस वो जायदाद जो है सेल हो जाती है इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो तब हक शुफा अराइज होता है। हक शुफा चूंकि गैर मनकूला जायदाद को तरजीहन हक के तौर पर खरीदने का नाम है, ऐसी खरीद सिर्फ उस सूरत में मुमकिन है जब एक शख्स अपनी गैर मनकूला जायदाद को फरोख करे। यहां फरोख करने से मुराद मुकम्मल फरोख है, ना कि उसने फरोख का इजहार या इकरार किया। फरोख से मुराद क्या है? मुकम्मल फरोख। अगर उसने इकरार बै किया है, एग्रीमेंट टू सेल किया है, तो उसकी अहमियत नहीं है जब तक मुकम्मल बै ना हो। एक शख्स का महज ये इकरार कि वो फलां शख्स के हाथ अपनी जदाद फरोख करेगा, या महज ये इजहार कि वो जदाद फरोख करना चाहता है, यह बै नहीं, और हक शुफा कायम करने के लिए नाकाफी है, चाहे ऐसे शख्स का इरादा वाकईतन फरोख का ही क्यों ना हो। पीएनडी 1967 लाहौर सफा 703 में करार दिया गया है, ऐसा हक अगरचे किसी शख्स के पास मौजूद तो रहता है, लेकिन उसका अमल या इतलाक उस वक्त होता है जब बै या बैत अमल में आए, कि जब उसमें प्रॉपर सेल एग्जीक्यूट हो जाए, प्रॉपर्टी वो उसको दे दे और उसकी जगह कंसीडरेशन अमाउंट वो ले ले। बै से मुराद इंतकाल मलकियत है, जो बिल उस कीमत जो अदा कर दी गई हो या जिसकी अदायगी का वादा हो, या जुजवन अदा कर दी गई और जुजवन अदायगी का वादा हो, कि गिव एंड टेक हो जाए, तो तब आपका जो है ये हक शुफा अराइज होता है। हक शुफा एक जायज कामिल और हकीकी बै से पैदा होता है, लेकिन यह हिबा या विरासत से पैदा होता है, ऐसा हक रहन से पैदा नहीं होता, दवामी ही क्यों ना हो, कि ऐसा रहन जो आप मुस्तकिल रहन रखते हैं, उससे हक शुफा पैदा नहीं होता, बै से होता है। मशरूत बै की शक्ल में ही क्यों ना हो, ऐसा शुफा हक इनफिका राइट ऑफ रिडेम्पशन के साकित होने से पैदा होता है। अलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने एक फैसले में करार दिया है कि कोई जदाद अगर शौहर अपनी बीवी को मेहर के मुआवजे में देता है, किसमें मेहर देता है, तो उस पर भी हक शुफा पैदा होता है। हक शुफा
ذاتی بہم میں بلکہ ایسی بہم پر بھی پیدا ہوتا ہے جو بذریعہ عدالت یا رسیور عمل میں آتی ہو. دیکھیں مہر میں دی ہوئی جائیداد عدالت اس کو ایک بے تصور کر رہی ہے. اگر مہر میں آپ وہ پراپرٹی کسی کو دیتے ہیں تو بھی وہ جو ہے حق شفا میں آتی ہے. مطلب بحث کا لبے لباب یہ ہے کہ حق شفا سے بے سے پیدا ہوتا ہے اور ایسی بے جو مکمل طور پر جائز کامل اور حقیقی ہے جس میں کنسیڈریشن گیون ٹیک ہوا ہو. اب جو کانسیپٹ ہم نے سمجھنا ہے کہ اگر ہم حق شفا کا کانسیپٹ سمجھ گئے تو یہ کانسیپٹ ہمیں بڑی آسانی سے سمجھ آ جائے. حق شفا سے مبررہ جدہ پراپرٹی ایگزمپٹڈ فرام رائٹ آف پریمپشن. پریمپشن کا مقصد کیا ہے؟ سوسائٹی کا کلچر ریوارڈ پروٹیکٹ کرنا. اب دیکھیں کون سی جدادیں ہیں جو اس سے مبررہ ہیں. ایسی جداد جو وقف شدہ ہو. کہ دیکھیں جو وقف شدہ جداد ہے وہ اس سے مبرر ہے, اس سے سوسائٹی کا کلچر پروٹیکٹ ہو رہا ہے کہ جو جداد جو ہے وقف شدہ ہے. جداد جو خیراتی مقاصد کے لیے ہے کہ اس معاشرے میں خیرات ہوگی تو وہ بھی اس معاشرے کے کلچر کو ہٹ نہیں کر رہی ہے چیز. جداد جو مذہبی مقاصد کے لیے کہ ایک شخص نے مسجد بنانے کے لیے جگہ دی ہے. جداد جو مفاد عامہ کے لیے ہے, ایک ویلفیئر سینٹر بنانے کے لیے ایک نے جگہ دی ہے. ایسی جداد جو مرکزی حکومت, صوبائی حکومت یا مجاز مقامی ادارے کی ملکیت ہو اس پر حق شفا نہیں ہو سکتا کہ جو حکومت کی ملکیت ہے وہ انڈائریکٹلی اس علاقے کی عوام کی ملکیت ہے. جو حکومت کی جداد ملکیت ہے وہ تو تمام لوگوں کی ملکیت ہے, عوام کی ملکیت ہے, وہاں عوام کے فائدے کا ہی کام ہوگا اس پر. تو یہ تمام جدادیں جو ہیں وہ اس سے مبرر ہیں. کوئی بھی ایسی جداد جو کسی قانون رائج الوقت کے تحت اس کی تعمیل میں حاصل کی جائے, جو مرکزی حکومت نے حاصل کی ہو, صوبائی حکومت نے حاصل کی ہو, کسی مجاز کسی مقامی مجاز ادارے نے حاصل کی ہو. تو اگر آپ تین قسم کی حکومتیں ہوتی ہیں, ایک وفاقی حکومت ہوتی ہے, ایک صوبائی حکومت ہوتی ہے اور ایک لوکل گورنمنٹ ہوتی ہے. اگر یہ لوکل گورنمنٹ یہ حکومتیں کوئی پراپرٹی خریدتی ہیں یا پراپرٹی لیتی ہیں تو اس پر بھی پریمشن نہیں لگے گا, کیونکہ حکومت جو ہے وہ عوام کی حکومت ہے نا, ووٹ کے ذریعے. اس نے تو ان کے رائٹس پروٹیکٹ کرنے ہیں تو وہ سوسائٹی کو ڈسٹرب نہیں کرے گی. یونین کونسل کا آفس بننا ہے وہاں پر تو اس پر شفا نہیں ہو سکتا. اب ہم اپنے نیکسٹ کوسچن کی طرف چلتے ہیں. ڈسکس آن دا پرسنز ان ہوم دا رائٹ آف پریمپشن از ویسٹڈ, وٹ آر اسینشل ریکوائرمنٹس ٹو ڈیمانڈ دا رائٹ آف پریمپشن تھرو کورٹ. اشخاص جنہیں حق شفا حاصل ہے پر بحث کیجئے, عدالت کے ذریعے طلب حق شفا کے لوازمات کیا ہیں. عام ہندوستانی قانون شفا سے اسلامی قانون شفا مختلف حیثیت میں ہے, اگرچہ عام ہندوستانی قانون شفا کی بنیاد بھی اسلامی قانون پر ہے. اسلامی قانون شفا میں حق شفا رکھنے والے ہندوستانی قانونی شفا سے مختلف اور محدود ہیں, جبکہ ہندوستانی قانونی شفا میں جیسے کہ پاکستان میں حق شفا اسلامی قانون حق شفا کے نفاذ سے قبل تھا. میں حق شفا رکھنے والوں کی تعداد قدر زیادہ ہے. دوسرے الفاظ میں ہندوستانی قانون میں بعض اشخاص جنہیں حق شفا حاصل تھا اصلی قانون شفا میں انہیں حق شفا حاصل نہ ہے. پاکستان کی وفاقی شرعی عدالت بعد ازاں عدالت عظمیٰ پاکستان کی طرف سے سابقہ قانون شفا کی بعض دفعات کو غیر اسلامی قرار دیے جانے کے بعد پاکستان میں اسلامی قانون شفا نافذ کیا گیا. کہ ہماری جو ہم نے پرانا حق شفا اڈاپٹ کیا جو بنا تھا, جو پریمپشن ایکٹ بنا ہوا تھا اس میں ہندوستان میں بنا تھا, تو اس کی کچھ جو شکے تھیں وہ اسلام سے متصادم تھیں, تو وہ ہماری وفاقی شرعی عدالت اور عدالت عظمیٰ نے وہ شکے حذف کر دی, اسلام کے خلاف قرار دے دی. تو جو اب ہمارا ریلیونٹ قانون ہے اس میں وہ شکے نہیں ہیں. پاکستان بننے سے پہلے ہندوستان میں ان شکوں پر عمل ہوتا تھا. یہاں ہماری مراد قانون شفا
सूबा पंजाब है जिसकी दफा 6 में हक के शुमार रखने वाले अशखास को उसके हक की नौयत और हैसियत के मुताबिक बादर्जी बयान किया गया है। दफा आला के मुताबिक मुदरजल अशखास को हक के शुफा हासिल है। तीन किस्म के अफराद को हक के शुफा हासिल है, शफी शरीक, शफी खलील, शफी जा। तो सबसे पहले हम देखते हैं शफी शरीक कि शफी शरीक कौन है। शफी शरीक से मुराद ऐसा शख्स जो इस गैर मुनकसिम जायदाद या गैर मनकूला के जिस्म में जो फरोख्त की गई है शरीक या मालिक। अलिफ, इसके मिसाल देखते हैं। अलिफ बे और जीम एक कता राजी के मुश्तरका मालिक है जबकि दाल की अराजी उनकी अराजी से मुलिक है और दोनों अराजियों के जराया पाशी एक है। अलिफ अपना हिस्सा अराजी हे को फरोख्त कर देता है। यहां अगरचे बे और जीम के अलावा दीन को भी हक शुफा हासिल है ताहम बे और जीम का हक शुफा पहला और फाइक होगा क्योंकि उनकी हैसियत शफी शरीक की है। को ओनर, जो को ओनर है उसका सबसे पहले राइट। उसके बाद क्या है, शफी खलील। शफी खलील से मुराद फरोख करदा गैर मनकूला जायदाद से मुताल्लिक खास हकूक में शरीक होना जैसे कि राह के राह गुजर, पानी या हक आबाशी, जिसे इजमेंट राइट हम कहेंगे कि उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो इजमेंट राइट उसको हासिल होगा या हक राह गुजर होगा तो वो शख्स का हक होगा कि वो शुफा कर सकता है कि अगर वो ओनर ना करना चाहे। शर्त यह है कि पहला हक ओनर का, उसके बाद दूसरा हक शफी खलील कि जो उसके साथ उसका इजमेंट राइट रिलेटेड है, तीसरा है शफी जा। शफी जा से मुराद ऐसा शख्स है जो फरोख्त शुदा या जदाद गैर मनकूला से मुलिक किसी दीगर जदाद गैर मनकूला की मलकियत की वजह से हक शुफा रखता हो कि उसके साथ उसकी अपनी प्रॉपर्टी लगती हो, लेकिन इसको उस वक्त हक हासिल है कि जब वो ओनर और शफी खलील दोनों हक शुफा ना करें तो फिर तीसरी पेश का हक है। ये क्यों रखा गया है कि ताकि उस प्रॉपर्टी को खरीदने वाले के ऑप्शंस बढ़ जाएं, तीन लोग हैं ताकि वो उस जगह को खरीद सके। अब है जिसके लवाजमात, किसके लवाजमात कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले इसकी डिमांड होती है तीन। पहली डिमांड क्या है, तलबे मुआसबत। तलबे मुआसबत क्या है, तलबे मुआसबत से मुराद शफी की तरफ से इस बैठक या मजलिस में फौरी तलब है जिसमें उसे बैठ का इल्म हुआ हो जिससे उसे अपने हक के शुफा को जेरे कार लाने के इरादे या नियत का ऐलान करे, इसे हम कहते हैं तलबे मुआसबत। तलबे मुआसबत बेसिकली ये चीज है कि जब एक शफी को किसी भी जगह उस बै की एग्जीक्यूशन का पता चलता है तो वो फौरन ऐलान करे कि मैं शफी हूं और ये जगह मैं खरीदूंगा। तलबे मुआसबत की बुनियाद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मदरज़ेर इरशाद मुबारक पर है, उस शख्स का हक शुफा कायम हो जाता है जो अपना मुतालबा बिला ताखीर करते। तलबे मुआसबत के लिए दो गवाह की मौजूदगी जरूरी है ताकि तलबे मुआसबत को साबित किया जा सके। बाद हज़रात चूंकि तनाजा पैदा हो सकता है तलबे मुआसबत की भी गई है या नहीं, लिहाजा गवाहान की मौजूदगी को जरूरी करार दिया गया है। तलबे मुआसबत के लिए कोई मखसूस अल्फाज जरूरी ना है। एक शख्स अगर बैठे इल्म आने के बाद बल्कि फौरन बाद रूबरू गवाहान किसी तरीके से भी अपने हक शुफा का ऐलान करता कर सकता है, फलाने फलान का मकान खरीदा है जिसका मैं शफी हूं, इस तरह ऐलान कर सकता है। दूसरा तरीका, फलाने फलान की जायदाद गैर मनकूला खरीदी है का मैं शफी होने का ऐलान करता हूं। दूसरी चीज है तलबे इशहार। दूसरी चीज क्या है जी, तलबे इशहार। तलबे इशहार की डेफिनेशन क्या है, तलबे इशहार से मुराद तलब किए गए शहादत का कायम करना, जो आपने तलब की गई है उस पर
तलबे इशहाद बहम जुड़ी है, अपनी तलबे मुआसबत की तौसीह उस पर शहादत कायम करना, जो तलबे मुआसबत कायम की है उस पर शहादत कायम करना, उसका हवाला और मुश्तरी से मुतालबा तलबे इश्तिहाद है। अब इसकी कंडीशंस क्या है कि तलबे मुआसबत के बाद तलबे शहादत होनी चाहिए और तलबे मुआसबत के 14 दिन के अंदर अंदर होनी चाहिए, बजरिया नोटिस तहरीरी जबानी या अराजी पर भी होना चाहिए, रूबरू दो मोतबर गवाहान होनी चाहिए। उसके बाद जो तीसरी तलब है वो है तलबे खसूमत। तलबे खसूमत मीन्स डिमांड बाय फाइलिंग ए सूट, के तलबे खसूमत से मुराद अदालत में दावा का दायर करके तलब करना, थर्ड स्टेप। तीसरी तलब तलबे खसूमत मजाज अदालत में दावा दायर करना है और बजरिया अदालत हक शुबा का निफाज कराना है, अपने राइट का निफाज, पहले अपना राइट डिक्लेयर करना है कि मेरा ये राइट है। कानून हाजा के तहत तलबे खसूमत यानी दायरी दावा की म्याद तलबे मुआसबत से 120 दिन है कि 120 दिन के अंदर अंदर आपने दावा दायर करना है। तलबे मुआसबत और तलबे इश्तिहाद से गुजर कर ही तलबे खसूमत की जा सकती है। अगर पहली दोनों तलब है या कोई एक तलब ना की जाए तो तलब खसूमत का सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि शफी का हक जाहिर हो चुका है। दावा यानी तलबे खसूमत में मुद्दई को ना सिर्फ अपना हक शुबा साबित करना होता बल्कि उसे ये साबित करना होता कि वो कानून, ये तलब क्यों रखी गई है, ये सहूलत के लिए रखी गई है कि उस शख्स तक तलबे मुआसबत करे, बताए कि मैंने ये चीज लेनी है, मैं इसका शफी हूं, ताकि वो शख्स उससे डील कर ले। उसके बाद दूसरी तलबे शहादत, उस पर शहादत कायम कर ले कि उसका इंटरेस्ट शो हो कि मैं ये चीज लेना चाहता हूं। तीसरी चीज क्या है कि 120 दिन के अंदर अंदर सूट फाइल करे, वो दो तलब करने के बाद वो सूट दायर करके अपना राइट वो ले। तलबे मुआसबत और तलबे इशहाद के हवाले से मदरजा ज़ैल नुकात काबिले गौर है। तलबे मुआसबत और तलबे इशहाद खुद शफी भी कर सकता है, उसका मजाज नुमाइंदा भी कर सकता है अगर शफी में मौजूद नहीं है हक शुफा का हकदार, तो तलबे मुआसबत और उसके 14 दिन के अंदर तलबे इशहाद वो पावर डेवलप कर सकता है, वो किसी को नुमाइंदा नामजद कर सकता है। शफी अगर दूर हो तो बजरिया खत भी ऐसे मुतालबात कर सकता है। शफी अगर एक से जायद हो तो हर शफी को अलग-अलग तलब हाई करना जरूरी है। कानून का तकाजा है कि अगर जो है शफी अगर ज्यादा हो, ओनर ज्यादा है, तो वो ज्यादा लोग जो है वो तलब करेंगे हर किस्म की, तीनों से खरीदार अगर ज्यादा हो तो हर एक के सामने तलबे शहादत करना जरूरी है, बवक्त तलबे शहादत रकम पेश करना जरूरी ना है। तो हमने ये देखा प्रीएम्प्शन एक्ट में कि इसमें बेसिकली सोसाइटी को प्रोटेक्ट करने के लिए पूरा मैकेनिज्म दिया गया है और इस मैकेनिज्म की जो खूबसूरती है वो ये है कि इसमें उस कल्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए इख्तियार किया गया है, बहुत बड़ा इख्तियार है कि वो जायदाद खरीदना उसका पहला हक है। तो उसमें कब होता है कि जब बै हो चुकी हो, एग्जीक्यूट हो चुकी हो बै, अगर बै एग्जीक्यूट नहीं हो उससे पहले नहीं, बै एग्जीक्यूट होने के बाद तलब, तीनों तलब की जा सकती है। बै हुई उसके बाद तलबे मुआसबत की, फिर 14 दिन में तलबे इशहाद की और उसके बाद 120 दिन के अंदर तलबे खसूमत की, दावा दायर किया, तो ये उसमें शामिल है। लेकिन मौजूदा मुल्क के हालात में शहरों में तो सेम कल्चर वाली बात रही नहीं है, देहातों में भी काफी हद तक ये बदल चुका है, तो इस कानून के मुताबिक रिलीफ लेना इतना आसान नहीं है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज जो हमने मुस्लिम पर्सनल लॉ में ये क्वेश्चंस कवर किए, डिस्कस एंड एक्सप्लेन डॉर कि मेहर क्या होता है, व्हाट इज डिफेक्टिव गार्डियन, गार्डियन एंड वार्ड एक्ट के तहत हमने इसको देखा,
डिफाइन एंड एक्सप्लेन द राइट ऑफ प्रीएम्प्शन की प्रीएम्प्शन क्या है, व्हेन डज द राइट ऑफ प्रीएम्प्शन अराइज, कब अराइज होता है, जब सेल कंप्लीट होती है. डिस्कस ऑन द पर्सन इन होम द राइट ऑफ प्रीएम्प्शन इज वेस्टेड, व्हाट आर द एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स टू डिमांड द राइट ऑफ प्रीएम्प्शन थ्रू कोर्ट, कि वो कोर्ट से कैसे रिलीफ ले सकता है. थैंक यू वेरी मच.